नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। सोता रहा फायर ब्रिगेड, जलता रहा आशियाना। आपको बता दें कि जरवाल कस्बा के अंतर्गत द्वारिकापुरी में लगी भीषण आग, इस आगजनी कांड में कई घर जलकर राख हो गए। ग्रामीण फायर ब्रिगेड को फोन लगाते रहे पर फोन नहीं उठाया। हमेशा की तरह इस बार फायर ब्रिगेड अपने मंसूबों में कामयाब रहा। जब कभी भी आगजनी या अग्निकांड की घटना घटती है, या तो फोन नहीं लगता या फिर फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं होता है। आपको बता दी कि ऐसी ही घटना आज देखने को मिली, जहां पर किसी की बारात जाने वाली थी, उससे पहले उसे अरमानों को आग की भेंट चढ़ना पड़ा। ये सब केवल फायर ब्रिगेड की लापरवाही के कारण हुआ। इस बार के भयानक अग्निकांड में 7 घर जलकर राख हो गए, 2 मवेशी भी जलकर राख हो गए और बारात में ले जाने वाला साजो सज्जा का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुल्हन इंतजार करती रही, दूल्हे का सहरा जलकर राख हो गया। क्या सरकारी काम केवल कागजों पर होते हैं या पानी केवल दिखावे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? फायर ब्रिगेड सोता रहता है और आसियाने जलकर राख हो जाते हैं। रमजान उल मुबारक का चांद देखकर लोगों ने करावी सुनने की तैयारी की। आपको बता दी कि रमजान उल मुबारक का चांद आज देखा गया। पहला रोजा मंगलवार 7 मई से रखा जाएगा और सारी मस्जिदों में तरावी शुरू हो गई। रमजान माह का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। रमजान रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। इस पूरे महीने मुसलमान भूखा प्यासा और बुरे कामों से तोबा कर हर अच्छे से अच्छे कार्य करने के साथ रोजे रखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने बताया कि अल्लाह ने मुसलमानों को रोजे इसलिए फर्ज फरमाए हैं जिससे अपने अंदर तकवा परहेजगारी पैदा कर सके। इसरार सिद्दीकी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा रहता और बुरे काम नहीं छोड़ता है तो उसका रोजा सिर्फ फाके के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह को ऐसे लोगों के रोजे पसंद नहीं हैं जो बुरे काम ना छोड़े। अल्लाह रमजान में हर इंसान को मौका देता है कि वह अपने बुरे कामों से तौबा करे और अच्छे काम करने की एहद करे। रमजान में हर नेक व बुरे काम का बदला 70 गुना अधिक तथा अच्छे काम करेगा तो 70 गुना अधिक सवाब मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।